अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि आपसे क्या बताऊँ कि कितनी ठंडी है। धूप तो हो रही है पर ठंडा उतना ही लग रहा है। इतना हवा चल रहा है, उसी हवा के चलते बहुत सारा धूप हो रहा है। लेकिन धूप में भी आप एक मिनट नहीं रह सकते हो और घर में भी नहीं रह सकते हो। और ये देखिए, मैं अभी छत पर से थोड़ी देर पहले मैं छत ही पर थी और मैं फिर आई हूँ और मैं सोची कि अपना ब्लॉग थोड़ा सा चालू कर लेती हूँ। क्योंकि तो मैं अपना एक मैंने रेसिपी को शेयर करना था, इसलिए मैं सोची अपना ये कर ले रही हूँ, अपना ब्लॉग चालू कर ले रही हूँ। तो आप लोग से भी मिल लेती हूँ और मैं क्या करूँ तो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेती हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। पता नहीं आप लोग खुश होते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि कुछ आप लोग के साथ नया अपना वो रेसिपी शेयर करूं। जो कि क्योंकि ना वो रेसिपी ना, जैसे कि मैं जब आई थी ना तो मेरे को बिल्कुल नहीं, मैं जानती थी, मेरी सासू माँ करती थी। लेकिन अब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो ना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो घर में ही आप स्टोर करो और उसके बाद से इतना सारा इतना मैंने वो निकालो अपना जो कि है। और रेसिपी देखने से पहले मेरे पूरा वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर आप मेरा ये देखिए रेसिपी देखिए। आज मैं आप लोगों को घी निकालने का तरीका बता रही हूँ, जो कि मेरा 8 दिन या 9 दिन हो गया है। इसको मेरा पूरा घी दूध का वलाई है जो कि मैंने पूरा स्टोर कर लिया है। और ये देखिए, बहुत आदमी का ये रहता है कि जाड़ा में घी निकलता नहीं है, लेकिन ना हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना तो क्या होता है कि वो बहुत ठंडा हो जाता है, ठंडा का मौसम रहता है तो जल्दी से घी छोड़ता नहीं है। तो ये ना फ्रिज में से आप अगर आप आज निकालना है तो आप सुबह ही फ्रिज में से इसको मलाई को बाहर कर लीजिए और इसको कढ़ाई में डाल के और हाथ से या फिर वो क्या ओ फोक से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने हाथ से ही करूँगी तो ये थोड़ा सा और गर्माहट रहता है हाथ का। तो ये थोड़ा सा मैंने गर्मी में तो एक ही दो राउंड आदमी ऐसे करता है तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जाड़ा में कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे करना पड़ता है। तो आप घबराना नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन ज़रूर ही निकलेगा। तो ये देखिए कैसा था और कैसा हो रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी के दिन में ये क्या होता है कि मेहनत करना पड़ता है। जाड़ा में तो ये एक दो राउंड ऐसे घुमाओगे तो फौरन तुरंत हो जाएगा। ये देखिए तो ये कैसे पानी छोड़ने लगा और ये एकदम टाइट हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी को ऐड करूँगी। ये देखिए पूरा दूध को कैसे छोड़ रहा है, हाथ में देखिए बिल्कुल नहीं लगा है। तो ये हो गया मेरा, थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालूँगी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और इसको ऐसे ऐसे करके और मैंने ये देखिए ये लग रहा है पत्थर हो गया है घी। वाओ, तो ये रहा मेरा देसी घी। मैं कभी भी अपना घी का दुकान से नहीं मंगाती हूँ। इसमें से ना ये जितना ये गोला गोला है ना जो पानी में, तो इसको सारे को मेरे को निकाल लेना है। ये इसी कढ़ाई में ऐसे कर लेंगे और उसके बाद इस पानी को पूरा फेंक देना है। ये देखिए इसको इसी तरह इसी में रख के इसको मैं जा रही हूँ। ये जला ली हूँ गैस, अब इसको ना इसी में रख दूंगी ऐसे करके। और ये देखिए 5 मिनट में कैसे निकलता है। ये मेरा शुद्ध घी, देसी एकदम घर का
क्योंकि कोई भी मलाई दूध में का कोई नहीं पीता है मेरे यहाँ, तो मैंने इसी तरह स्टोर कर लेती हूँ। इसी घी में से हम लोग दाल चावल में भी खाते हैं, पूरी पराठा भी बनाते हैं, और जो करना होता है मेरे को मैं इसी में से कर लेती हूँ। अपना भगवान का भी घर में इसी में का दिया हुआ जला लेती हूँ, तो मैं मंगाती ही नहीं हूँ घी। इतना सारा घी निकल गया। अभी इसको अभी और थोड़ा सा जलाना है, जो ये वाइट वाइट है ना, ये ब्राउन कलर में हो जाएगा, उसके बाद से हमें इसको बंद कर देना है। और ये देखिए चारों तरफ घी है, जिसे एक कटोरी में वो पूरा मलाई था ना, मेरा आधा कटोरी निकल जाएगा घी इतना। जैसे वो लोग नहीं बोलते हैं, आम तो आम और गुठलियों का दाम, दूध तो पीते ही हैं उसके बाद से इतना सारा घी भी हम लोग अपना इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही है क्या है। और ये ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, ये गाज हो गया है तो नहीं दिख रहा है, झाग आ गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है पलटा, तो अब मैंने इसको बंद कर दे रही हूँ। और ये देखिए पूरा हो गया है घी रेडी। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं इसको छान दूंगी और फिर मैं रख दूंगी। तो ये देखिए मेरा घी हो गया है बिल्कुल रेडी। इसी कटोरे से, एक कटोरी थी वो मलाई, और देखिए एकदम आधा कटोरी से ऊपर ही पूरा घी निकला है, एकदम शुद्ध एकदम प्योर रेसिपी देख ही लिए। और वो देख रहे हैं ना कि कितना दूध हो आप पियो, लेकिन उसका इतना सारा घी निकाल लो। 8 से 10 दिन का वो मलाई मैंने स्टोर करके रखा था, और कम से कम मेरे को 200 ग्राम इतना पूरा घी निकला है। मैं कभी भी घी नहीं मंगाती हूँ, मैं उसी से ही अपना पूरा घी चला लेती हूँ। मेरे पास हमेशा स्टोर रहता है, आधा 1 किलो तो घी हमेशा ही रहता है। और अभी बनाइए, अभी ये करिए। और अपने वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ, अपने बातों को यहीं विराम दे रही हूँ, और इसी के साथ साथ बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप घी निकालना जानते थे या नहीं।